हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। बिलाल तौफीक, मैं जायसवाल होटल से निकल रहा हूँ, साथ में प्रतीक भी है। हेलो। और हम निकल रहे हैं बिलासपुर की तरफ। और यार अंबिकापुर की धूप ना बहुत तेज हो गई है। और ये है हमारा गांधी चौक। बिलाल तो अभी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब अच्छी बाइक चला रहे हैं। आजा प्रतीक दौड़ के आ। और हमेशा की तरह फिर लखनपुर में पेट्रोल भराने के लिए रुका हुआ हूँ। और यहाँ का ये पेट्रोल पंप तो खोल के रख दिए, शायद इनका इंजन गर्म हो रहा होगा। 2000 का डाल दीजिए भैया। हाँ 2000 का। और प्रतीक हंसता यार। तो फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं बिलासपुर अलका एवेन्यू और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहे हैं प्रतीक को। और इसका घर है। और रास्ते में तो हम लोग कहीं रुके नहीं, बस दीदी लोग के घर गए थे वहाँ पर, लेकिन वो खुद गांव जा चुके थे तो फिर उनसे मिलना नहीं हो पाया, वो ब्लॉग करना ही भूल गया। तो फिलहाल तो अभी प्रतीक को छोड़ते हैं, उसके बाद फिर मैं भी आगे जाऊँगा। एक्चुअली आधे रास्ते तो प्रतीक की ड्राइव किया था तो मेरा सिर ना ऐसे थोड़ा घूमने वाला हो गया। अभी घर जाके रेस्ट करेंगे। ये यहाँ पानी पटा रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखिए। जय शिव। तो गाइस यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पूरा जिम खोल करके बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ है छोटू? छोटू ना रहा है वो। अच्छा ना रहा है। एक्चुअली मैं हूँ अभी छोटू के घर में और छोटू थोड़ा डर रहा है कि मैं कैमरा उधर ना घुमा दूँ क्योंकि वो जस्ट अभी नहा के निकला है। और उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था। बाकी वो कपड़े वपड़े पहन लेता है फिर मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। तो ये हमारे अविनाश एक्का जी। जी जी। हमारे स्कूल के मित्र। जी जी। और एक सवाल था इनसे। जी। इसे बिना कपड़े खोले, मतलब बिना कपड़े पहने दरवाजा कैसे खोल सकते हैं आप? कोई कैमरा लेके? जितना जरूरत होता था। अच्छा अच्छा। तो दुनिया आपको ऐसे देखेगी कैसा लगेगा? सबके पास है। तो इनके पास हर चीज का जवाब होता है, बाकी क्या कर सकते हैं। इनका गार्डन दिखाते हैं आपको। क्या को? अरे फिसल रहा था। क्या छुपा रहे हो आप? क्या छुपा रहे हो आप? ये टायर का, मेरे यहाँ भी टायर रखा हुआ, तो टायर का उपयोग इधर ऐसा इसमें कुछ लगाया है? अभी गर्मी का टाइम ना। अच्छा ओके। तो ये है इनका छोटा सा गार्डन और यहाँ पे टायर का यूज करके बैठने के लिए बनाए हैं। नाइस छोटा सा गार्डन। किससे मिलने गई है तृप्ति मौसी? किससे मिलने गई है बताओ? इधर बताओ, इधर बताओ। तो फिलहाल अभी घर पहुंच गया हूं और आज का व्लॉग यही खत्म करने का समय हो चुका है। सलीम यहां बाइबल पढ़ रहा है और पता नहीं अपना जीवन चेंज करना चाहता है क्या, तो लेकिन आजकल हमेशा बाइबल पढ़ते रहता है। और इधर शम्मा मम्मी दोनों रोटी बना रही हैं। आप कब जीवन चेंज करोगे और बाइबल पढ़ना शुरू करोगे? और ऐसा नहीं कर देगी। इथन भी पढ़ता है, सोचो। इथन भी पढ़ता है लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, सोचो। हाँ मैं थोड़ा बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। तो इथन पढ़ता है। अब पढ़ना पड़ेगा। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ घर में भी पढ़ते हो? क्या तो हमारे घर में सब बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया मुझे छोड़ के। तो देखो हम लोग पहले से बाइबल पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। वो ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट नहीं किया हम लोग पढ़ते हैं। मेरी ये मेरा माइनस पॉइंट है। क्या मतलब आपके जीवन का? बाइबल ही नहीं पढ़ते हो, जीवन ही नहीं पढ़ते हो। ठीक है तो आज के पूरे समाचार से ये व्लॉग का अंत करते हैं। हाँ पूरे बाइबल, पूरा परिवार बाइबल पढ़ता है। आपके घर में भी सब बाइबल पढ़ते हैं? बस मैं ही नहीं पढ़ता हूँ अभी। यहाँ बहुत बुरा लग जा रहा है मेरे को। तो ठीक है आज का ब्लॉग ये खत्म करते हैं गाइस। जल्दी कुछ खबरें सुनाऊंगा कि मैं अभी बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ करके। तब तक के लिए चलो बाय। इतना बाय, आप भी बाइबल पढ़ोगे? अच्छा बाय पप्पी।
चलो ठीक है, बाय बाय बाय।